गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस ठंडी के मौसम में खुद को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो कुछ खास लाया है उन बैचलर्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन पुरुषों के लिए जो कि निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कारण कारण लिंग में जो है कड़कपन नहीं आ पा रही है, लिंग बहुत जल्दी ढीला हो जा रहा है और इससे एसोसिएटेड सारी चीज़ें, शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम कुछ मैजिक मेडिसिन आपको बताने वाले हैं जिनका प्रयोग करके आप बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं, अच्छे हो जाएंगे। चलिए मेडिसिन के बारे में जानने से पहले दो चार शब्द जो है इसके बारे में हम जानें कि प्रॉब्लम होती क्या है। एक्चुअली इसे इम्पोर्टेंस ही कहते हैं और इसमें जो है लिंग या पेनिस को जो है आप ठीक से प्रॉपर इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं काफ़ी समय के लिए, सेक्सुअल एक्ट आप जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसके बीच में ही जो है आपका लिंग जो है ढीला पड़ जाता है या पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है, तो ये सारी समस्याएं लगी रहती हैं। यूजली देखा गया है कि ये सारी चीज़ें जो है कि कुछ हद तक साइकोलॉजिकल भी होती है, एक फियर, एक एंग्जाइटी के कारण भी ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। बट कुछ फिजिकल कॉज भी होते हैं, जैसे ओवर मैस्टुरबेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आप जो है बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, कभी आपको चोट लगी है, कोई इन्फेक्शन हुआ था, रिपीटेड यूटीआई हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है, काम काज बहुत ज़्यादा है, सोने का समय नहीं मिल रहा है, आराम करने का समय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये चीज़ें डेवलप कर जाती हैं और इसको आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं और छुपा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो चलिए आज मैं कुछ मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ जिसके उपाय करके, जिसको आप यूज़ करके जो है बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं। तो मेडिसिन कौन कौन सी है, चलिए। तो फर्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है एवेना सेटाइवा, उसके बाद है डैमिया प्लांट, डैमियाना, उसके बाद है अश्वगंधा। ये तीन ऐसी मैजिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों मेडिसिन को मैंने जैसे बताया, तो इन तीनों मेडिसिन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है लगभग आधा कप, उसमें जो है ये तीनों दवाइयां आपको मिक्स करनी है 10-10 बूंद की मात्रा में और उसको दिन में 3 बार सेवन करना है। ये दवा लेने का कोई परहेज तो फिलहाल नहीं है, बट हाँ कुछ प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे जिससे आप जो है इसका बेनिफिट अच्छा से पा सके। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है कि आपको लगभग महीने भर किसी के भी कॉन्टैक्ट में, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में किसी भी तरह से नहीं आना है। एक महीने के बाद आप इस दवा का असर देखेंगे, मैजिक रिजल्ट होगा और आप उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपको इस जो है मेडिसिन ऐसे लेनी है और परहेज में सिर्फ क्या करना है, एक महीना तक किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे किसी के कांटेक्ट पे हो, फिजिकल हो, ओवर फोन, आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे आपका सेमिनल डिस्चार्ज हो या इरेक्शन हो। दवा आप लेते रहिए, खाना पीना सही कीजिए। अगर आप स्ट्रेस है लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर आप बैचलर हैं तो आप योगा कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, हेल्दी एक्टिविटीज परफॉर्म कीजिए, देखिएगा कि आपके जीवन में फिर तरोताजगी आ जाएगी और आप खुशहाल जीवन फिर से व्यतीत कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाया है खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही निराश थे। तो ये मैजिक भी मैंने बता दिया, मैजिक मेडिसिन, और सबसे बड़ी बात है कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेडिसिन आप बेशक ले सकते हैं, आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएगी ये मेडिसिन बहुत आसानी से। इसका आप इस्तेमाल कीजिए और यूज़ कीजिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका रिजल्ट कैसा।